हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी जो कल जिस लोग जिन जितने लोगों का कल RRBPO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, सबसे पहले तो उन सब लोगों को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, एग्ज़ाम को अच्छे से आपको करके आना है, शांत दिमाग से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो जो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करनी है एग्ज़ाम से पहले, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम से पहले जो भी चीज़ें लेके जानी है वो ध्यान रखनी है। एक, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट पे आपके पास जो फ़ोटो साइज़ होनी चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगी होगी वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फ़ोटो डाली थी उससे मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टू पॉइंट। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है आप लोगों का, उस थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो कि जो आपका ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका आईडी प्रूफ होगा, ठीक है, उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो राशन कार्ड होता है वो अलाउड नहीं कर रखा है इन्होंने, तो ये मत लेके जाना। मास्क क्या बोला है, कंपलसरी है। अब सुन लीजिए, मास्क के लिए जो डाउट है आपके मन में, पहली कंडीशन है N95 जो मास्क होगा वो PWD कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है, ये काफ़ी डाउट्स आते हैं स्टूडेंट के माइंड में, अभी भी आ रहा होगा। अदर्स कैन यूज़ जनरल मास्क, जो अदर स्टूडेंट हैं वो जनरल मास्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेटर टू प्रेफर N95 मास्क, बट यार मैं ये कहूँगा रिस्क क्यों लेना है आपको, आप बेटर प्रिपेयर रहिए, N95 मास्क को लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। उसके अलावा और जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपका जो आपके पास 50 ml की एक बोतल होनी चाहिए हैंड सैनिटाइज़र की। ठीक है, ग्लव्स आर अलाउड, ग्लव्स भी अलाउड है बट कंपलसरी नहीं है। ग्लव्स ले जा सकते हो आप, बट मैं एक रिकमेंड करूँगा एक चीज़ आपको कि ग्लव्स अगर आप डाल के जाते हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे डालते हो, आपके 2 या 3 मिनट में स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी हाथों में, आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाओगे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी हैंड सैनिटाइज़र की बोतल आप खुद से लेके जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा अपनी खुद की। उसके अलावा आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, अगर आप वहाँ पे वो पानी नहीं पीना चाहते तो आप अपना खुद से भी लेके जा सकते हो। अब बात आती है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की। ठीक है, ये होनी चाहिए आपके फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, अगर आपके पास आरोग्य सेतु नहीं है या फिर आप अपना फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लेके जाना चाहते, ठीक है, आपका पर्सनल अगर जो थिंकिंग है आपकी, आपको लगता है कि मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोन नहीं लेके जाना है, तो आपके एडमिट कार्ड के लास्ट पेज पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया होता है, आप उसको फिल कर लेना। ठीक है, एक बार मैं इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्या है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, देखिए ये है कि अगर आपके पास जो अगर आप आरोग्य सेतु ऐप नहीं है अगर आपके पास, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन की फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हो। ठीक है, और 8th नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट और है जो मिस हो गया मुझसे। हाँ, तो इस पॉइंट में देखिए आप, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स आर नॉट सपोज टू शेयर देयर पेन, वाटर बॉटल, एनी ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, रफ शीट्स में क्या करना है आपको, ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, ये पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, दिस टाइम देर विल बी नो चार्ट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, मतलब वो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके, क्योंकि वो जो लैब नंबर हो वो बाहर नहीं लगा होगा, सोशल गैदरिंग जो होती है गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अ पर्सन विल लेट यू नो वेर यू नीड टू प्रोसीड आफ्टर वेरीफाइंग योर आरोग्य सेतु ऐप और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ साफ साफ बोली है, वो वेरीफाई करेगा कि आपको कहाँ पे
जाना है, किस साइड जाना है, ठीक है। उसके अलावा थ्रू द टेम्परेचर मेजरमेंट गन, एक मेजरमेंट गन होगी, दे विल चेक योर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका 99.14 से ज़्यादा आ रहा है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। एग्ज़ाम से 10-15 मिनट पहले पहुँचना वहाँ पर और ख़ुद को आराम से रिलैक्स करना अगर आप बाहर से आ रहे हो कहीं से, ठीक है। मैं ये कहूँगा आपका जो एग्ज़ाम होगा कल का, सब स्टूडेंट्स का, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो अब मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बोलूँगा ऑल द बेस्ट। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आना, क्रैक करना इस एग्ज़ाम को ज़रूर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं मेंस की स्ट्रेटेजी भी बताऊँगा। और कल मेरा एग्ज़ाम सुबह 12 बजे है, ठीक है। 12 बजे मतलब एंट्री है, सुबह मतलब सुबह क्या PM, ठीक है। और रिव्यू शेयर करूँगा मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही, ठीक है। आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा अपनी शिफ्ट का, एक एक डिटेल रिव्यू मिलेगा आपको, जो भी होगा बिल्कुल डिटेल में आप जो बताऊँगा। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में अपनी ईगो पे मत लेना कुछ भी, ठीक है। ईगो पे मत लेना, जितना आता है, अगर आपको 50 क्वेश्चंस भी आते हैं आउट ऑफ 80, उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करना। मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर RRB PO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मैंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। और मेरे टोटल मार्क्स कितने आए थे, 64.75, ठीक है। मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त थी लास्ट ईयर। और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी लास्ट ईयर RRB PO प्रीलिम्स की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जल्दबाजी मत करना और आराम से पेपर करना ठंडे दिमाग से, ठीक है गाइस। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जाने से पहले यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो RRB PO देने जा रहे हैं। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।